हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग कम्प्लेक्स एनालिसिस का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर आपको सेकेंड होगा। इससे पहले आपको हम फर्स्ट लेक्चर बता चुके हैं, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन अपन करवाए हुए हैं। तो आइए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। कहता है ऑब्टेन कुची रिमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको ये पोलर फॉर्म में, अगर कुची रीमान इक्वेशन की बात करें तो वो आपको जो है नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जो है आपको इस बार आपको पूछा हुआ है पिछले ईयर में। आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसे अपन जानते हैं, ये कैसे इसे आपको प्रूफ करना है, मतलब सॉल्यूशन बनाना है। तो स्टूडेंट, अगर आप कुची रीमान इक्वेशन की बात करें तो वो चीज़ आपको छोटा सा फॉर्म में आप जानते होंगे, यू एक्स बराबर का वी वाई, और आपको जो है अगर यू वाई की बात कर ले तो ये होता है माइनस का वी एक्स। तो ये चीज़ आपको होता है और ये आपको कुची रीमान इक्वेशंस है और ये है। तो स्टूडेंट, हमारे पास ऑब्टेन कुची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग, आप छोटा सा चीज़ है, हम लोग जानते हैं वी नो डैट, मतलब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं स्टूडेंट, कि आपको अगर आपको एक्स बराबर का आर कॉस थीटा पुट कर दिया जाए एंड वाई बराबर का आर साइन थीटा, क्योंकि स्टूडेंट हमें पोलर में चेंज करना है, अगर आपको पोलर में चेंज करना है तो ये चीज़ आपको लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से वाई बट्टा एक्स की बात करें तो हम क्या निकाल लेंगे वाई बट्टा एक्स में स्टूडेंट, वाई का वैल्यू हमारे पास जो है वो आर साइन थीटा है, तो यहाँ पर लिख दें आर साइन थीटा और एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा डेट इज आपको टेन थीटा हो चुका है। ये चीज़ है, अगर मैं यहाँ से थीटा को अकेला कर लूँ तो आप बोलेंगे थीटा बराबर का टेन इनवर्स का वाई बट्टा का एक्स, मतलब हमें थीटा निकल गया। और एक चीज़ है स्टूडेंट, हम लोग ये भी जानते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, इसका दोनों का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन और ये वन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसकी मदद से सॉल्व करते हैं, चूँकि अपने पास जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर का है आर स्क्वायर, ठीक, या फिर इसे पहले भी लिख सकते हैं, इसके लिए भी दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर बराबर का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट, अब मैं बात कर लूँ इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन जो भी डिफरेंशिएशन करेंगे अपन पार्शियली करने वाले, पार्शियली समझते होंगे। हाँ, ये चीज़ जो है, देखिए आपको ये पार्शियली डेरिवेटिव से ही आता है। तो आइए मैं आपको क्या करता हूँ, पहले डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू दी एक्स, एक ही साथ लिख दें एंड वाई, एक मरतबा एक्स के साथ करेंगे एक मरतबा वाई के साथ करेंगे। नाउ अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये टू आर डेल आर बट्टा का डेल एक्स टू एक्स प्लस का जीरो, ये जीरो वाई के, वाई इज अ कॉन्स्टेंट क्योंकि हम लोग पार्शियली काम कर रहे हैं, या आपको टू टू कैंसिल, डेल आर बट्टा का डेल एक्स का जो वैल्यू आया आर बट्टा में, मतलब एक्स बट्टा का आर, और एक्स का जो वैल्यू है आर कॉस थीटा है बट्टा आर, आर कैंसिल रिजल्ट में कॉस थीटा, ये आपको निकल गया स्टूडेंट डेल आर बट्टा का डेल एक्स बराबर का कॉस थीटा। उसी प्रकार हम लोग y में भी डेरिवेटिव कर लेंगे, y में क्या करेंगे, बहुत प्यारी कंसेप्टेड है, y में नाउ एंड लिख दें यहां पर एंड y में अगर करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू दी y में, अच्छा मैं यहां पर मेंशन कर चुका हूं तो एंड लिखकर ही काम कर लेता हूं, तो मुश्किल नहीं है। आप यहां पर टू डेल r बट्टा का डेल y और टू भी तो लिखना है, ओके ये वाला, और आपको टू, अच्छा ये तो जीरो टू वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा आपको डेल आर बट्टा का डेल वाई, आर तो बट्टा में वाई बट्टा का आर, वाई का वैल्यू आर साइन थीटा, और आर जो अपने पास है स्टूडेंट वो क्या है आर, और आर तो कुछ है ही नहीं है, को काट दीजिए ना, ओनली साइन थीटा अपने पास आ चुका है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से दो वैल्यू निकल के आया, एक आपको डेल आर बट्टा डेल वाई का साइन थीटा और डेल एक्स डेल आर बट्टा डेल एक्स का कॉस थीटा। नाउ मैं यहाँ पर एक अच्छा से लिख देता हूँ डेल आर बट्टा का डेल वाई बराबर का साइन थीटा, ओके
ये चीज़ स्टूडेंट अपने पास आ चुका है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है ये आपको साइन थीटा भी आ ही चुका है, डेल आर बट्टा डेल वाई। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इस थीटा जो है, इस थीटा का क्या करते हैं स्टूडेंट, इस्तेमाल करके हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में निकालते हैं आगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले आ जाते इस साइड अपन और इस थीटा को जो है पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं। नाउ अब जो है थीटा बराबर का टेन इनवर्स का एक्स है, सॉरी वाई बटा का एक्स है। अब इसको हम लोग को डिफरेंशिएशन करना बड़ा अच्छे से, वो भी पार्शियली करना है। अब देखिए इसको जो डेरिवेटिव करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू दी एक्स और वाई, दोनों में वन टाइम ही कर लेते हैं एक्स और वाई में। अब आप x और y में इसे कर लेंगे, इसका मतलब है डेल थीटा बट्टा का डेल x और टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स x का आप जैसे फार्मूला लगता है वैसा ही, 1 बट्टा का 1 प्लस का x स्क्वायर, मतलब y बट्टा x का स्क्वायर। ओके एंड चेन रूल का जो प्रयोग होता है y बट्टा x, इज हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कॉन्स्टेंट है, y बाहर 1 बट्टा x का माइनस 1 बट्टा का x स्क्वायर। चलिए मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए ऐसा ये आपको हो चुका है एक्स स्क्वायर, इसका लघुत्तम ऊपर जा चुका है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों पे पावर आ जाएगा एंड ये माइनस वाई बट्टा का एक्स स्क्वायर, ये दोनों ख़त्म। हमारे पास जो फाइनली रिजल्टेंट आ चुका वो आ चुका माइनस, अच्छा वाई का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, वाई वाई का निकाल चुके वो पहले, आर साइन थीटा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, लेकिन माइनस लगा के देखिए माइनस छूट जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, मतलब आपका जो रिजल्ट आ चुका माइनस साइन थीटा बट्टा का आर। ओके ये किसका वैल्यू है, डेल थीटा बट्टा डेल एक्स का वैल्यू है। अब हम लोग क्या कर लेते वाई के रेस्पेक्ट में अगेन, या एंड एंड लिख लेते वाई के रेस्पेक्ट में, डेल थीटा बट्टा का डेल वाई वन बट्टा वन प्लस का वाई बट्टा एक्स का स्क्वायर। ओके और वाई बट्टा एक्स का स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे यहाँ से, ऐसा करते हैं ना, तो वाई बट्टा एक्स का, अच्छा यहाँ पर एक्स कॉन्स्टेंट है बाहर वाई का वन, बड़ा आसान था ये चीज़। अब देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये वन बट्टा का एक्स, ये कैंसिल, एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा, ऊपर में आर कॉस थीटा और नीचे में इसका वैल्यू जो है ना आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर रिजल्ट में ये कैंसिल, मतलब कॉस थीटा आ चुका है बट्टा का आर, ये किसका वैल्यू है डेल थीटा बट्टा का डेल वाई। और बहुत अच्छी बात है आपने डेल थीटा डेल वाई निकाल लिया, हमें असल में चाहिए क्या है स्टूडेंट, हम लोग इतना मेहनत ही क्यों कर रहे हैं, हमें चाहिए यू एक्स यू आई वी एक्स वी वाई। अब चलिए मैं इनके लिए जो है ना कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ से आगे, अब हम लोग को छोटा सा काम करना है, हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि अगर आप डेल यू एक्स बराबर का डेल वी बट्टा का, सॉरी यू में लिखेंगे डेल यू बट्टा का डेल एक्स, आप बोलेंगे यार सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो कोई चीज़ दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब आप पढ़ चुके हैं चेन रूल का प्रयोग, ऐसा कैसा बताइए, ये डेल यू बट्टा का आप डेल एक्स, मैं यहाँ पर थीटा लिख दिया, आप बोलेंगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी डेल थीटा लिख देंगे और यहाँ पर आपको डेल एक्स लिख देंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्लस का हम लोग ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसा कैसा, ऐसा डेल यू बट्टा का डेल आर और इसी को डेल आर बट्टा का डेल एक्स, बस 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 इसमें कोई मुश्किल नहीं, इसको आप लिख सकते हैं ऐसा। अब इसका वैल्यू पुट करिए, और वैल्यू पुट करने के लिए हमें छोटा सा काम है, हम लोग ये साइड आ जाते हैं, आइए अब इसका वैल्यू कैसे पुट होगा स्टूडेंट, बड़ी नॉर्मल चीज़ है, मैं देख लेता हूँ यहाँ से, यू एक्स तो आ ही चुका अपना और यू एक्स, अच्छा मुश्किल नहीं है, यू एक्स का वैल्यू डेल यू, ये तो पता ही नहीं है, हटाइए ना, ये नहीं पता यू एक्स का जो वैल्यू में डेल यू बट्टा का डेल थीटा नहीं पता, यू एक्स बराबर में डेल यू बट्टा का डेल थीटा का वैल्यू अपने को नहीं पता है मल्टीप्लाई, और डेल थीटा बट्टा डेल एक्स का वैल्यू पता है, वो भी माइनस का साइन थीटा बट्टा का
आर। ओके, और ये डेल यू बट्टा डेल आर पता नहीं है, और अपने को यहाँ जो मालूम है स्टूडेंट वो पता है डेल आर बट्टा डेल एक्स, डेल आर बट्टा, अच्छा यहाँ देखिए ना, डेल आर बट्टा का डेल एक्स इज अ टू एक्स, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा। अब हम लोग यू आई काम कर लेते हैं, एंड लगा दें यहाँ पे, लगा दीजिए एंड यू आई के लिए। अच्छा यू आई के लिए हम वही काम करेंगे, डेल यू बट्टा का डेल वाई लिख देंगे, और यहाँ डेल यू बट्टा का आप लिख दीजिए डेल थीटा बट्टा का डेल वाई, और प्लस डेल आर बट्टा का डेल वाई, और डेल वाई बट्टा का मामला करवा दिए क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आपको आर में इस्तेमाल कर लेते हैं ना, डेल यू सॉरी डेल आर बट्टा का डेल वाई। अब यहाँ पर वैल्यू इसका भी पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डेल यू बट्टा डेल थीटा पता नहीं है, और ये गुने का डेल थीटा बट्टा डेल वाई, अभी जस्ट अपन निकाले डेल थीटा बट्टा डेल वाई, यस कॉस थीटा बट्टा का आर, ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर दिया, और बीच में प्लस डेल यू बट्टा डेल आर पता नहीं है, अभी तो इसका निकालना ही है। अच्छा डेल आर बट्टा डेल वाई यहाँ कॉस थीटा, और सॉरी नीचे लिखे हुए डेल आर बट्टा डेल वाई इधर साइन थीटा, चलिए दिक्कत नहीं है, साइन थीटा अपन यहाँ पुट कर दिए, और हो गया, ये यू आई भी निकल गया। अब अपने को करना अगेन दोबारा, अब अपन ले लेते हैं, क्या लेंगे दोबारा स्टूडेंट, वी एक्स में ना, वी एक्स वी वाई भी तो निकालना है, आइए वी एक्स के लिए भी निकालेंगे, डेल वी बट्टा का डेल एक्स बराबर का डेल वी बट्टा का डेल थीटा डेल सॉरी मल्टीप्लाई और डेल थीटा बट्टा का डेल एक्स बीच में प्लस, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल वी बट्टा का डेल आर और डेल आर बट्टा का डेल वी डेल एक्स। अब हो गया ये चीज़, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्चुअल जो है ना अपना वी एक्स का जो वैल्यू आ गया ना, डेल वी बट्टा का डेल थीटा पता नहीं है, डेल थीटा बट्टा का डेल एक्स डेल थीटा बट्टा डेल एक्स ये वाला वैल्यू माइनस का आर साइन थीटा बट्टा का आर हो गया, हो गया प्लस डेल वी बट्टा का डेल आर गुने का और डेल आर बट्टा डेल एक्स डेल आर बट्टा का डेल एक्स कॉस थीटा। चलिए मुश्किल नहीं है, एंड वी वाई निकाल लेते हैं, वी वाई को भी डेल वी बट्टा का डेल वाई डेल वी बट्टा का डेल थीटा, सभी को एकदम पार्शियली यूं ही काम करना है, डेल थीटा बट्टा का डेल वाई हो गया प्लस डेल वी बट्टा का डेल थीटा मतलब आर में ही और डेल आर बट्टा का डेल वाई। हाँ बिल्कुल आपने ऐसा लिख दिया तो अब दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग ऐसा काम कर लेते हैं ना, वैल्यू पुट कर लेते, वी वाई का जो रिजल्टेंट आ जाएगा क्या आ जाएगा, डेल वी बट्टा का डेल थीटा, अच्छा चलिए ये तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये सेम टू सेम डेल थीटा बट्टा डेल वाई, अभी निकाले अपन डेल थीटा बट्टा डेल वाई कॉस थीटा बट्टा का आर। अब यहाँ से जो है ना छोटा सा और काम होगा, और इससे ये डेल वी बट्टा डेल वाई पता नहीं है सॉरी डेल आर है, ये डेल आर बट्टा डेल वाई यहीं पर अपन निकाले थे साइन थीटा। आइए हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब दिक्कत नहीं होगी, यू एक्स निकल गया, यू आई निकल गया, वी एक्स निकल गया, वी वाई निकल गया। अब यहाँ से हमें छोटा सा काम करना पड़ेगा स्टूडेंट, वो ये चीज़ है कि अब हमें कूची रीमान इक्वेशन से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, फ्रॉम सी आर इक्वेशन लिख दे या फिर कूची वाई को बोलते हैं कूची रीमान इक्वेशन। क्या होता है अभी हमने जस्ट देखा है स्टूडेंट कि यू एक्स बराबर यू आई बराबर दोनों देखे थे, तो सबसे पहले स्टूडेंट इस चीज़ को पहले आप नोट कर लीजिए, वो थोड़ा सा बड़ा टाइप का हो जाएगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो आप ऐसा करिए पहले इसको नोट कीजिए, हम इसको आगे आपको बताते हैं। ओके और माइनस का माइनस बाहर कर दें, माइनस बाहर कर दिया, और साइन थीटा बट्टा का आर हो जाएगा। ओके प्लस का डेल यू बट्टा का डेल वाई हो जाएगा, और ये आपको कॉस थीटा हो जाएगा। यू एक्स वी वाई का वैल्यू जस्ट नीचे निकाले होंगे, ये वाला वी वाई डेल वी बट्टा का डेल थीटा कॉस थीटा बट्टा का आर
प्लस का डेल वी बट्टा का डेल आर और साइन थीटा। क्लियर। आइए अब हम लोग यहाँ से क्या कर ले स्टूडेंट, यू एक्स तो निकल गया, वी वाई भी निकल गया, इससे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। और यू वाई, यू वाई का वैल्यू जो है डेल यू बट्टा का डेल वाई, और यू वाई का वैल्यू यहाँ डेल यू बट्टा का डेल थीटा, यू वाई का वैल्यू और कॉस थीटा बट्टा का आर है, प्लस का डेल यू बट्टा का डेल आर और साइन थीटा, माइनस का वी एक्स। अच्छा वी एक्स का वैल्यू ये माइनस से गुना कर देते हैं अंदर ही, का किया जाए जिससे कि ये प्लस हो जाएगा, डेल वी बट्टा का डेल थीटा साइन थीटा बट्टा का आर। ओह अच्छा ये आर यहाँ कहाँ से हो जाएगा, वनली साइन थीटा बट्टा का आर होता है, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने वी एक्स में माइनस लगा होता है ना, तो माइनस का डेल वी बट्टा का डेल आर और इज कॉस थीटा। हाँ तो स्टूडेंट हम लोगों ने जो काम किया अभी तक सिर्फ वैल्यू को बराबर किए हैं, अब हमें इसको छोटा सा काम करना है, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को आगे काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। असल में बात यह है कि इन दोनों कब कटेगा, अगर इसको साइन कॉस बना दे तो, और इसको भी साइन कॉस बना दे, दोनों को जोड़ दे तो ख़त्म। ऐसा करते हैं, आइए मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में कॉस थीटा को और सेकेंड में साइन थीटा को गुना करके ऐड कर देता हूँ। देखिए हो जाएगा ना, आप देखते ही रहिए। अच्छा मैं डायरेक्ट कर दूँ, देखिए इसको अगर मैं काम करूँ लिखूँ तो बहुत बड़ा बन जाएगा और आपको और अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन करना चाहे तो कर सकते, एग्ज़ाम में भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते, लेकिन हाँ अगर अगर अपनी समझदारी है तो फिर नहीं भी करिए। तो एक्चुअली मैं हम यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बता दूँ, देखिए शॉर्ट क्या कि आप इसमें गुना करेंगे ना, ये पहला वाला में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो ये भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, जिससे कि ये दोनों खत्म। अब इस वाले में आइए, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डेल यू बट्टा में डेल वाई, ओके यस, और अच्छा ये हम लोगों ने यू वाई का वैल्यू लिए थे, और यू वाई का वैल्यू क्या है डेल यू बट्टा का डेल आर, ओके okay, ऊपर वाले में था डेल यू, किसका वैल्यू था ये आपको यू एक्स का वैल्यू, अच्छा कुछ वैल्यू गलती उतार दिए क्या, डेल यू बट्टा का डेल आर था और यहाँ पर थोड़ा मामला गड़बड़ा गया, सिट ये आर होगा, देखकर ही गड़बड़ा गया लिखना, चलिए दिक्कत नहीं है, दोनों में कॉमन आ जाएगा इसलिए, तो ऊपर वाले में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और ये आपको साइन स्क्वायर थीटा होगा जब गुना करेगा। देखिए पहले बराबर के इस पार वाले के साथ काम कर लेते हैं, काफ़ी रिलैक्स मोड में काम करेगा, मैं बोलता हूँ ना ये 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बराबर का। पहला वाला में कॉस थीटा मतलब ये आपको कॉस स्क्वायर, ये वाला आपको साइन स्क्वायर, दोनों में सेम पार्ट कॉमन है, डेल वी बट्टा डेल आर इंटू वन बट्टा आर कॉमन, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कोई भारी सी चीज़ नहीं है, समझना हमारे लिए भी आसान है। देखिए अब यहाँ पर इन दोनों में, इसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, जिससे कि ये कट के जीरो बन जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने वन टाइम में कर दिया, कोई मुश्किल नहीं, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। डेल यू बट्टा डेल आर एक बट्टा का आर डेल वी बट्टा का डेल थीटा, हमको किसका वैल्यू मिला डेल यू बट्टा डेल आर का वैल्यू मिल गया, ओके चलिए अब हम लोग यहां से एक और काम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन माइनस का टू करेंगे, उल्टा गुना करिए, पहला वाला में साइन थीटा दूसरा वाला में कॉस थीटा, अब रिजल्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट अभी से अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है,
अब देखिए पहला वाला में साइन थीटा, फिर हम काम यही काम करेंगे, पहला वाला में साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा वाला में आप माइनस का, ये माइनस का ओहो कॉमन आएगा, लेकिन माइनस का सहित माइनस का डेल यू बट्टा डेल थीटा, ओके, और एक बट्टा का आर भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया माइनस के साथ, देखिए ना ये माइनस से गुना होगा ना, तो माइनस हमने बाहर, ऊपर भी माइनस था। अब देखिए ये वाले में क्या कहता है कि आपको क्या करना है, ये वाले में, हाँ जी, इसमें आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो जीरो हो गया, खेले ख़त्म हो गया, हटाइए। अब बराबर के इस बार में पहला वाला में कहता है आप साइन थीटा से गुना करेंगे और इसको इसमें से घटाएंगे, मतलब ये भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी आपका जीरो हो चुका है घटकर, इस वाले में है ये। पहला वाला में साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ये तो आपको कॉमन आएगा, डेल वी बट्टा डेल आर, और ये साइन स्क्वायर थीटा अगर आप इसमें माइनस से अगर गुना करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, जिससे कि ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आसान है, बस अगर आप चाहें ना तो गुना दिखा कर भी लिख सकते हैं, इसके लिए भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए दोनों का माइनस माइनस, अच्छा सॉरी माइनस तो यहाँ लगा, दिक्कत नहीं है, ये वन और ये इतना, मतलब आपको डेल वी बट्टा का डेल आर बराबर का माइनस का एक बट्टा आर डेल यू बट्टा का डेल थीटा। यस, देख लेते हैं स्टूडेंट, इसे चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये जो स्टूडेंट आया हमारे पास, ये डेल वी बट्टा डेल आर माइनस वन बट्टा आर डेल यू बट्टा डेल थीटा, इट इज पोलर फॉर्म, ये आपको क्या हो चुका है, पोलर फॉर्म थीटा में आ चुका है। देख लीजिए ये दोनों का आपको इस्तेमाल हो जाता है क्वेश्चन के तौर पर, बट आपको अगर एग्जाम में स्टूडेंट ये पूछता है कूची रीमान इक्वेशन का पोलर फॉर्म, आपको इतना बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 2022 के लिए आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से रख सकते, 7 नंबर फिक्स है। ओके, चलिए तो सबसे पहले आप इसे भी नोट कर लीजिए, हम इसमें और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एनालिटिक फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन को। स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या कहता है, डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस, देन प्रूव दैट इट इज कांस्टेंट। देखिए ये बड़ा फेमस क्वेश्चन में से आता है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, यहाँ पर डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन की बात कर दिया, ये हटाकर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसा पूछ सकता है, एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन विथ कॉन्स्टेंट मॉडुलस दैन प्रूव डैट इट इज कॉन्स्टेंट, मतलब हार्मोनिक फंक्शन को अगर डिफाइन करने के लिए बोल दिया उसमें भी दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी कहता है और ये चीज़ आपको कहता है तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब आपको डिफाइन करने की ये वाला जरूरत नहीं पड़ेगा, डिफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए, तो एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विथ कॉन्स्टेंट मॉडुलस। अब देखिए स्टूडेंट हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। तो अब इसमें क्या कर लेते हैं, प्रूफ, अब इसका प्रूफ करते हैं कि ये जो फंक्शन जो है ना, ये कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, तो वो कांस्टेंट मॉडुलस। देखिए मैं, हम लोग जानते हैं यहाँ से कि एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, आगे कहता विद कॉन्स्टेंट मॉडुलस। ये किसने कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ, तब साबित करना है कि ये कॉन्स्टेंट देगा। देखिए इसका ये मतलब स्टूडेंट, आपको ये चीज़ पहले कह चुका है नहीं, और हम लोग जानते हैं एफ ऑफ जेड बराबर का यू प्लस का आयोटा भी होता, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आयोटा भी होता। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप यहाँ पर यहाँ इसके अनुसार अगर एंड बात कर ले कि एफ ऑफ जेड का क्या कर लेते हैं हम लोग, मॉडुलस करते हैं, तो वो कहता वो कांस्टेंट होगा, डैट इज कांस्टेंट। ओके, अगर हम कांस्टेंट की बात कर ले तो कोई हमारे पास कोई सी हो सकता है, कांस्टेंट है,
तो स्टूडेंट हम लोगों ने ये चीज़ कर लिया। और एक चीज़ हम बता दें आपको, ये छोटी सी ज्ञान की बातें हैं। आइए देखिए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है, यू प्लस का आयोटा भी है, इसका आप मोड निकालते हैं, और तो ये तो पहले से भी जानते हैं, इसके जो इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी रियल पार्ट और इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है, ठीक। अगर आप इसका एफ ऑफ डैश जेड का आप मोड, मतलब इसको हम डिफरेंशिएशन करने के बाद तो ये यू एक्स यू वी में आ जाता है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, डेल यू एक्स को ही लिखते हैं, डेल यू बट्टा डेल एक्स और डेल वी बट्टा का डेल एक्स नहीं। देन अगर आप इसको एक चीज़ यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ डैश जेड जीरो हो जाता है तो ये मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा इसका स्क्वायर देना भूल गए स्टूडेंट, स्क्वायर होता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर इसका अगर जीरो हो जाता है तो इसको क्या कर सकते हैं, अपन जीरो दिखा सकते हैं, वो बात की बात है, फिलहाल अभी इतना जानिए, ठीक। तो स्टूडेंट ये चीज़ थी। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ जेड कॉन्स्टेंट ना, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर एफ ऑफ जेड का मोड का जो वैल्यू होता है वो ये होता है अंडर रूट यू स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर का कॉन्स्टेंट। अब स्क्वायरिंग करके इसको हटा दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आप यहां से इसका रिजल्ट लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर का कांस्टेंट का स्क्वायर। इसमें तो दिक्कत नहीं होगी, आप यहां से, अच्छा यहां से आपको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू दी, अच्छा एक चीज़ हम लोग जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू दी एक्स और वाई दोनों कर लेते हैं, ठीक। पहले एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये 2u आप लिख देंगे, ये डेल u बट्टा का डेल x हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, ये 2v ये डेल v बट्टा का डेल x हो जाएगा, कांस्टेंट का जीरो, अच्छा इसको इधर भेज दीजिए, u इंटू का डेल u बट्टा का डेल x, v इंटू का डेल v बट्टा का डेल x इक्वल टू का जीरो। आप चाहे तो इसे इक्वेशन वन नाम दे दीजिए, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें स्टूडेंट आगे हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि ये जो पार्ट आ गया यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, डोंट वरी आई लिख। तो आप यहाँ से एक और काम कर सकते हैं कि अगर मैं इसको डेरिवेटिव कर लेता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, अगेन हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा ये वाले वाले में, ये वाले में क्या बोलिएगा स्टूडेंट कि आप टू यू तो कह सकते हैं, डेल यू बट्टा का डेल वाई, टू भी डेल वी बट्टा का डेल वाई बराबर का कांस्टेंट का जीरो, अच्छा u इंटू डेल u बट्टा का डेल y प्लस v इंटू डेल v बट्टा डेल y का जीरो। और अपने को सी आर इक्वेशन का नाम सुना होंगे, सी आर इक्वेशन समझते हैं स्टूडेंट, आप बोलेंगे ये सर बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो इतना फेमस है कोची रीमान इक्वेशन। सी आर इक्वेशन कहता है अगर यू वाई है मतलब यू एक्स है तो वो आपको वी वाई के बराबर होता है, एंड आपको यू वाई है तो वो माइनस वी एक्स के बराबर होता है। डैट इज़ आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल यू बट्टा का डेल एक्स बराबर का डेल वी बट्टा का डेल वाई, वही मतलब होता है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, वी यू वाई है ना, मतलब आप डेल यू बट्टा का डेल वाई माइनस का डेल वी बट्टा का डेल एक्स। बतवा यही है कि स्टूडेंट कि आपको यहाँ पर जो आया है वो ये रिजल्ट आया है कुछ रिमान इक्वेशन से, और कुछ रिमान इक्वेशन अपन जानते ही हैं। अब यहाँ पर इसका थोड़ा इस्तेमाल करके मैं दोनों को एक्स में दिखा दूँ, ऐसा कुछ कर लेता हूँ। ये यू लिख दीजिए, डेल यू बट्टा डेल वाई को माइनस का डेल वी बट्टा का डेल एक्स लिख दीजिए, माइनस बाहर लिख दिए, प्लस का भी डेल वी बट्टा डेल वाई को, डेल वी बट्टा डेल वाई को डेल यू बट्टा एक्स में चेंज कर दिए हैं, डेल यू बट्टा डेल एक्स बराबर का जीरो, सी आर इक्वेशन से चेंज कर दिए। आप इसे इक्वेशन टू नाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन वन और इस इक्वेशन टू को ही हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वन एंड टू, और अब यहाँ से एडिंग कर लेते हैं, डोंट वरी मुश्किल नहीं है, ये कर लेंगे तो आ जाएगा। ये अपना वन और ये अपना टू है, स्क्वायरिंग करिए पहले वाले को, यू इंटू डेल यू बट्टा का डेल एक्स, डेल वी बट्टा डेल एक्स स्क्वायर, और ऐड करिए माइनस का यू, डेल वी बट्टा डेल एक्स प्लस का भी,
डेल यू बटा डेल एक्स का स्क्वायर इक्वल टू का जीरो। आइए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी, दोनों में यू भी था तो डेल यू बटा अलग अलग लिख देते, डेल यू बटा का डेल एक्स और डेल वी बटा का डेल एक्स। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस का रिश्ता होगा ही, इसमें आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, दोनों को ऐड कर रहे हैं इसलिए। तो आप इसको लिख सकते यू स्क्वायर डेल वी बटा डेल एक्स का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डेल यू बट्टा का डेल एक्स का स्क्वायर प्लस, और लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ जिससे कि माइनस का टू ए बी डेल वी बट्टा डेल एक्स डेल यू बट्टा का डेल वाई। ये जो स्टूडेंट हमारे पास आया, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, कोई खास चीज़ नहीं, सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा भी, टू यू बी डेल यू बट्टा का डेल एक्स डेल वी बट्टा डेल एक्स, या माइनस प्लस गया कट, इनमें देखिए यू स्क्वायर, इनमें देखिए यू स्क्वायर कॉमन है, बाहर कर लीजिए। अच्छा ऐसे करके बाहर कर लेते हैं, डेल वी बट्टा डेल एक्स प्लस डेल वी बट्टा डेल एक्स। अब बी स्क्वायर वाले को भी बाहर निकाल लीजिए, डेल वी बट्टा डेल एक्स डेल वी बट्टा डेल वाई। अच्छा मामला कुछ गड़बड़ा तो नहीं दिया स्टूडेंट? ओ सॉरी ये यू था ना, ओहो हो ये गड़बड़ा गया था, यू यहाँ पर। अच्छा मैं भी वाला को ले रहा था, भी वाला ये है डेल वी बट्टा डेल एक्स का स्क्वायर, ये डेल यू बट्टा का डेल एक्स का स्क्वायर बराबर का, ओ सॉरी मामला गड़बड़ आ जाएगा, ऐसे लिख देते हैं बराबर का जीरो। अब जो स्टूडेंट आया हमारे पास, तो यहाँ पर ये दोनों कॉमन है राइट, आप इन दोनों को निकाल लीजिए, डेल यू बट्टा डेल एक्स डेल वी बट्टा डेल एक्स, ये कॉमन वाले पार्ट को निकाल लिए अपन, ये यू स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर का जीरो। इसको डिवाइड में मतलब डेल यू बट्टा डेल एक्स का जो वैल्यू आया ये स्क्वायर और वो ये स्क्वायर बराबर का जीरो। ये जो स्टूडेंट आ गया, हमको देख देखा कि अगर मैं ये वाले रूल को यहाँ पे लगाऊँ ना, बस ये फ्यूचर के लिए काम कर रहे थे, इससे कोई खास चीज़ नहीं है कि अगर आप इसको देखिए जीरो के बराबर आ गया ना, मतलब हम अगर इसको जीरो के बराबर कर दे, यही कहना चाह रहे थे उस समय, चूँकि अगर आप यहाँ से हैंड से जीरो के बराबर करते इस फंक्शन को, मतलब ये पार्ट जीरो हो जाएगा, डेल यू बट्टा डेल एक्स का स्क्वायर डेल वी बट्टा डेल एक्स का स्क्वायर, नहीं आसानी से काम हो जाएगा, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दिया जिससे कि हमारा रिजल्ट आ चुका है डेल यू बट्टा डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी बट्टा डेल एक्स का स्क्वायर बराबर का जीरो। ये जो रिजल्ट आया यही क्या हमारा स्टूडेंट, ये फंक्शन है एफ डैश जेड ना एफ डैश जेड ना एफ डैश जेड, बस मैं ऐसा ही बता रहा हूँ, कोई खास चीज़ नहीं है। तो आप यहाँ से इसको उल्टा चलेंगे ना, तो ये वाला यहाँ पे लिखिए, ये यहाँ लिखिए, या फिर डायरेक्ट लिखिए ना, यही हमारा चीज़ है, डेरिवेटिव इसी का करते हैं, ये का ये आता है बराबर का जीरो। अभी जस्ट देखिए ना ये अब ये चीज़ आ गया स्टूडेंट, मतलब आप यहाँ से एफ ऑफ जेड क्या जीरो, जीरो इज अ कॉन्स्टेंट की तरह काम करता है ना, यहाँ पे जीरो हो गया ना, इसलिए एफ ऑफ जेड इज कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट हमें बताना था कि ये आपको क्या होगा, कांस्टेंट देगा, जिसमें हमने सबसे पहले डिफाइन करने के लिए बोला हार्मोनिक फंक्शन, उसके बाद हमने ये को प्रूफ कर दिए कि ये आपको क्या कांस्टेंट है, और ये क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इग्नोर ना करें। तो स्टूडेंट ये अपने गेसेस क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन नंबर 6 था, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके टेक केयर बाय बाय।